नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं पीएम मोदी की। जी हां, लोकसभा चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी ऐसे में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने में लगे हुए, ऐसे में विपक्ष पर हमलावर हुए हैं पीएम मोदी और विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बात की। क्या कहा है पीएम मोदी ने हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां सत्ता पार्टी और विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, ऐसे में ये समझ में आता है कि चुनाव को लेकर कितने सक्रिय हैं राजनीतिक पार्टियां और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किस तरीके से फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक रैली में कहा, कांग्रेस सरकार पर कीचड़ उछाल रही है क्योंकि उसे विश्वास जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के मुकाबले यह आसान लगता है। प्रधानमंत्री ने राफेल सौदे को लेकर चल रहे आरोपों के संदर्भ में ये बात कही। रैली को संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा, 125 साल पुरानी पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि उसे गठबंधन के लिए छोटे दलों से भीख मांगनी पड़ रही है। उन्होंने कहा, यदि कांग्रेस को गठजोड़ के लिए सहयोगी मिल भी जाए तो भी यह गठबंधन सफल नहीं होगा। पीएम मोदी का कहना है, उनकी सरकार सभी के लिए सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है और सबका साथ सबका विकास अभियान महज नारा नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तो देखिए, उन्होंने कहा उनकी सरकार जीतेगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस जिस तरीके से राफेल मामले को लेकर, भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर, रुपयों में गिरावट को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, जीएसटी के मामले को लेकर, तमाम तरीके से बीजेपी को घेर रही है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इसी बात को देखते हुए बीजेपी थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि ना तो राफेल मामले पर पीएम मोदी कुछ बोल पा रहे हैं, ना बेरोजगारी के मामले पर कुछ खुलकर बोल पा रहे हैं, ना सरकारी नौकरियों के मामले पर कुछ खुलकर बोल रहे हैं, ना अगर हम बात करते हैं किसानों के मामले में खुलकर बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये नज़र आता है कि पीएम मोदी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम मोदी खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं इन सब मुद्दों से, लेकिन कांग्रेस है कि उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस एक तरफ जहां राफेल मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रही, तो वहीं उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर और युवा वर्ग के लोगों के ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों की बात को लेकर उठाया है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, निशाना साध रही है, इससे लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका मोदी सरकार को लग सकता है और शायद कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। देखिए, शायद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को अंदाज़ा नहीं होता। कांग्रेस शायद जो है बड़ा काम कर दे, ऐसा देखने को मिल रहा है। और वैसे अगर हम बात कर लें कि देश की जनता भी मोदी सरकार से नाराज़ है, आज देश की जनता मोदी सरकार से नाराज़ इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार ने जो वायदा किया था उन वायदों को पूरा नहीं किया। साल 2014 में पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज 4 साल सरकार को हो चुके हैं और लगभग 2 लाख लोगों के पास ही रोजगार है। ऐसे में उन लोगों का क्या जिनके पास रोजगार नहीं है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, वो अपना खर्च कैसे चलाएं। आपको मैं बता दूं कि कई युवा वर्ग के लोग हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, काफ़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, लाखों रुपये इंस्टीट्यूट पर खर्चा कर रहे हैं, किताबों पर खर्चा कर रहे हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी उनके साथ धोखा कर रही है, जिस तरीके से युवा वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया गया है, जिस तरह से बेरोजगार वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया है, ये नज़र आता है कि सरकार ने केवल वोट के लालच में, वोट की लालसा में ऐसा किया। और सच तो ये है कि मोदी सरकार नहीं चाहती बेरोजगारों को रोजगार मिले और युवा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी मिले। देखिए, आपको मैं बता दूँ, बेरोजगार वर्ग के लोगों का मजाक उड़ाया था पीएम मोदी ने, जी हाँ। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों का बीजेपी नेताओं ने मजाक उड़ाया था। तो क्या जो आज हालात हैं, आज जिस तरह की मांग युवा वर्ग के लोग कर रहे हैं, वो क्या गलत है? जिस आधार पर मोदी सरकार को बेरोजगार वर्ग के लोगों, युवा वर्ग के लोगों ने वोट किया था, क्या कह सकते हैं कि जिस आधार पर उन्होंने वोट किया था और जिस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं कि मोदी सरकार ने वोट पाने के लिए युवा वर्ग के लोगों का इस्तेमाल किया।
बेरोजगार वर्ग के लोगों का इस्तेमाल किया, किसानों का इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीएसटी आने के बाद से जिस तरीके से आज बहुत सारे व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद कर दिया, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मुनाफा भी नहीं हो रहा है। और आपको हम ये भी बता दें कि ये यहाँ पर देखने को मिला है कि जीएसटी आने के बाद जिस तरीके से जो दुकानें हैं, जो व्यापारियों ने अपना काम बंद कर दिया, वहाँ पर कई हज़ारों लोग काम करते थे, लेकिन वहाँ काम बंद होने से आज वो लोग बेघर हैं, आज वो लोग बेरोजगार हैं। और ऐसे में देखिए, सरकार ने बेरोजगार वर्ग के लोगों को रोजगार भी नहीं दिया, और जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार भी छीन लिया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती है, सरकार ने किस तरीके से लोगों के साथ धोखा किया है, बेरोजगार वर्ग के साथ धोखा किया है, युवा वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया है। और जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं, जो हालात आज नज़र आ रहे हैं, उससे ये देखने को मिल रहा है कि देश की जनता मोदी सरकार से नाराज़ है। पेट्रोल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरह से सातवें आसमान पर पहुंच गई है, रुपया में गिरावट देखने को मिल रही है, अर्थव्यवस्था ख़राब है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं कि मोदी सरकार ने तो बेहतर कदम उठाया ही नहीं, बेहतर काम किया ही नहीं। और आपको हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि ये यहाँ पर देखने को मिला है कि केवल और केवल राजनीतिक पार्टियाँ वोट पाने के लिए किसानों का इस्तेमाल करती हैं, युवा वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करती हैं, और कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती हैं वो बेरोजगार वर्ग के लोगों का। और ऐसे में जनता को और सभी लोगों को यहाँ समझना होगा कि अब की बार किसे वोट दें जो उनके लिए काम करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के जीतने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कई सर्वे सामने आए हैं जिनमें ये बात निकली है कि मोदी सरकार के हारने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आपको मैं यहाँ पर यह भी गिनवा देता हूँ, बेरोजगार वर्ग के लोग नाराज़ हैं, किसान वर्ग के लोग नाराज़ हैं, और टीचर्स जिस तरीके से नाराज़ हैं, तो युवा वर्ग के लोग नाराज़ हैं, यानी कि पूरा देश आज मोदी सरकार से नाराज़ है, क्योंकि मोदी सरकार ने उनके लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि मोदी सरकार ने उनके राहत के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। और ऐसे में अगर वक्त रहते मोदी सरकार ने बेरोजगार वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के लिए अच्छे अवसर नहीं दिए, और सरकारी नौकरियों की अगर हम बात कर लेते हैं, जो कई लाख पद खाली पड़े हैं, अगर उन पर नियुक्तियाँ नहीं होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा झटका मोदी सरकार को मिल सकता है। और अगर अगली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव हार जाती है, तो कई सालों के लिए मोदी सरकार सत्ता से दूर हो जाएगी। मैं आपको और बताता हूँ कि पीएम मोदी ने और क्या कहा। पीएम मोदी ने अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की, और वो रैली में भी मौजूद थे। इस दौरान मोदी ने कहा, विपक्षी दलों ने हार के डर से महागठबंधन बनाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस आज देश भर पर बोझ बन गई है, लोकतंत्र में यह भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि देश से उसे बचाएं। तो देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, मोदी सरकार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उनकी ये कोशिश कारगर साबित होगी? क्या जो कदम वो उठा रहे हैं, जो फैसला वो ले रहे हैं, उससे उन्हें बड़ा फ़ायदा मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष पर निशाना तो साध रही है मोदी सरकार, लेकिन शायद मोदी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। शायद मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं वो फिर से चुनाव जीतने की फिराक में है, लेकिन अब की बार देश की जनता सजग है, अब की बार मोदी लहर के नाम पर जनता वोट नहीं करेगी, बल्कि अब की बार अगर वोट करेगी तो वो है सरकार के कामकाज पर। सरकार ने कितना काम किया है, सरकार ने कितनी योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं से लोगों को कितना लाभ हुआ है, कैसे फ़ायदा पहुंचा है लोगों को, इन तमाम तरीकों से और इन तमाम तरीकों को देखते हुए ही जनता मोदी सरकार को वोट करेगी। और अब की बार ये देखा जाए कि मोदी सरकार ने केवल योजनाएँ लागू करने के अलावा और कोई काम नहीं किया, बेरोजगार वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए कोई काम नहीं किया, युवा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में पद जो फॉर्म है वो निकालने के लिए कोई काम नहीं किया, किसानों की परेशानियों को हल करने के लिए सरकार ने काम नहीं किया। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर सबका साथ सबका विकास नहीं दिख रहा है। विकास अगर दिख रहा है तो है सरकारी कर्मचारियों का, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम तो उठा दिया,
लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इससे आज देश की जनता नाराज है और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।